नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ओनिका महेश्वरी। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम से संबंधित लोगों और मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपियों से जमीन खरीदने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया। बुधवार को हुई इस कार्रवाई के बाद विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को अब नया मुद्दा मिल चुका है, जिसके बाद बीजेपी मलिक के इस्तीफे की मांग कर रही है। इसी को लेकर गुरुवार यानी आज पार्टी राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम, उसके सहयोगियों और मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जाँच में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बुधवार दोपहर नवाब मलिक गिरफ्तार किए गए, जिसके बाद उन्हें मुंबई की एक विशेष अदालत में पेश किया गया। यहां से उन्हें 3 मार्च तक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं बीजेपी ने मलिक के इस्तीफे को लेकर गुरुवार यानी आज राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि कस्टडी में भेजे जाने के बाद नवाब मलिक ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कुछ ही देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है हमारा दौर आएगा। उन्हें भगोड़े अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी कस्टडी में भेजा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार दोपहर नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद एनसीपी नेता की जेजे हॉस्पिटल में मेडिकल जाँच कराई गई और फिर उन्हें PMLA कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 8 दिनों की कस्टडी में भेज दिया गया है। ईडी की ओर से 14 दिनों की कस्टडी की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 8 दिनों की कस्टडी सुनाई। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सरकारी आवास वर्षा पर कैबिनेट मीटिंग की गई। इस मीटिंग में यह फैसला किया गया कि नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।